बहुत ज्यादा भीड़ है और अपने मोहित भाई भी खड़े हैं यहीं पर। मोहित भाई बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, मैं स्मार्ट आ रहा हूँ और नारे लग रहे हैं भारत माता की जय के। मैं बेकार आ रहा हूँ क्योंकि पूरा गीला हो गए। ब्लॉगर यूट्यूब यूट्यूब वाले भी आए हैं और देखते हैं जरा क्या समस्या है। पूछते हैं देखिए पूरी पूरी भीड़। चलो भाई चलो, बहुत ज्यादा भीड़ है। चलो भाई सीधे ही चलो, देखते हैं आगे भी क्या क्या समस्या है। पूरी भीड़ ही भीड़ है, अभी बहुत भयंकर भीड़ है। ये देखिए पूरा आंदोलन चल रहे हैं और हिंदू सेना समान नागरिक संहिता, गंदगी भी देखिए बहुत ज्यादा हो गई है। ये देखिए बहुत गुस्से में है, ये देखिए बहुत ज्यादा। हिंदू सेवा, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। ये देखिए बहुत ज्यादा हल्ला है, हिंदू स्वराज संगठन सब आए। जय श्री राम, जय श्री राम, बंद करो बंद करो बंद करो। यहाँ पर हो रहा बहुत भयंकर आंदोलन, देखिए लोग समझा रहे हैं एक दूसरों को, दिखाइए दे रहा हूँ अभी। ज्यादा भीड़ भाड़ है, थोड़ा पास जाते हैं उनके, दिखाइए पास जाते हैं। आओ मोहित भाई वहीं चल रहे, देखते हैं क्या है। आओ जय, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। ये हो रहा है यहाँ पर इंटरव्यू, हमें होना पड़ेगा, हर बार होना पड़ेगा, हमें अपनी एकता का परिचय देना पड़ेगा। जय श्री राम। अब वक्त आ गया हिंदू को एक होने में, एक होना है। अब सभी आदमी को एक साथ होना, जितने हिंदू जो सनातनी है, हिंदू नहीं सनातनी, एक साथ होना है, ठीक है। और अपना पर्सनल स्वार्थ छोड़ के सब इकट्ठा होकर हम लोग को एकजुट होना है और जहाँ भी कोई कमी है उसको ठीक करना है। आंदोलन से बाहर आ गए हैं और दिखाते हैं आप कैसे हैं। बारिश अभी भी हो रही है। आंदोलन से आ गए हैं और पूरे भीग गए, बाल आल देखिए बिल्कुल चिपचिपे हो गए। और मैंने दो जींस ले लिए, और दो जींस ले लिए मोहित भाई ने, खरीद लिए। पैसा कम है, बहुत तो नहीं है, भी कम है, आ जाएगा पैसा बाद में आ जाएगा टाइम आने पे। और बिल्कुल चेहरा देखिए बिल्कुल अजीब हो गया है, बिल्कुल भीग के पैसा दुबई में फंसा है, थोड़ा बैंक में फंसा है, थोड़ा कर्जा दे रखा है उसमें फंसा है, तो पैसा बहुत फंसा है। चलिए चलते हैं आगे को, दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऊंची ऊंची कंपनी, अब हम जा रहे हैं एक जगह, अभी आपको आगे नाम बताएंगे पूरा उसका, और खंडर है मतलब एक टाइप से वो, और वहाँ जाना है। वहाँ से देखिए जो सामने आपको ग्रीन लाइट दिख रही है उधर को ही जाना है जहाँ पर ग्रीन लाइट है। सीधे फिर हमने करनी है रोड क्रॉस, और मौसम हो गया है सुहाना और थोड़ा थोड़ा भीग भी गए, बताया मैंने आपको बारिश बहुत हो रही है करके। यहाँ और बारिश का कोई वैसा नहीं है जैसे हमारे हल्द्वानी में क्या होता है, पहले बारिश का मौसम बनता है, मौसम मौसम नहीं कब हो जाए बारिश पता भी नहीं चलता है। यहाँ ये पता नहीं क्या है यहाँ का सिस्टम, अभी तक मौसम इतना साफ होता है कि यहाँ धूप आ रही थी और एक ही दम इतनी तेज़ बारिश आई कि बहुत तेज़ मतलब बारिश आई कि पूरा भीग गए। तो अच्छा हुआ कि दुकानें वकानें थी, हम उसके नीचे खड़े हो गए थे तभी भी थोड़ा बहुत भीग गए पूरा। और सोचा था थोड़ा फ़ोटो शूट करेंगे, तो फोटो शूट भी शायद अब होता है नहीं होता कुछ पता नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सामने बिल्डिंग देखिए आपको, कितनी मज़ेदार बिल्डिंग है ये देखिए, कितनी ऊंची है। मेरे ख्याल से है क्या है मुझे ये तो नहीं पता, शायद फ्लैट लैट होंगे या कोई ऑफिस होगा। ये देखिए गाड़ियाँ, अब रेड लाइट हो गई है, थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा। और ये सब कपड़ों की दुकान है इधर, ये
ये सब आता है पूरा सीपी कनॉट प्लेस के अंदर आता है पूरा ये सब। ये आ गए हम सीधे बिल्डिंग के वहाँ पर, देखिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है मेरे पीछे। और चल रहे हैं पैदल पैदल। और हम जा कहाँ रहे हैं दीपक? उग्रसेन की बावड़ी में जा रहे हैं, जहाँ सुल्तान मूवी की शूटिंग हुई थी। देखी होगी आपने सलमान खान की मूवी पीके, सॉरी सुल्तान मूवी नहीं बनी थी वहाँ, पीके मूवी भी बनी थी आमिर खान की। जब वो बैठे रहते हैं ना सीढ़ियों में रोते हुए, जब पीछे अनुष्का शर्मा आती है, वही एरिया है। दिखाऊंगा आपको कहाँ पर आमिर खान बैठा था। और यहाँ सब देखिए पीछे मेरे बिल्डिंग है, और रौनक रहती है हमेशा, रौनक की कमी नहीं है यहाँ। आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे आगे यहाँ, बस चलना पड़ता है थोड़ा। अगर आप पे अपना प्राइवेट व्हीकल है तो आपको दिक्कत नहीं होगी इतनी। हमने तो अपना व्हीकल बाहर खड़ा किया, अपना व्हीकल हम थोड़ा हल्द्वानी दूर छोड़ा है तो हमको थोड़ा दिक्कत होता है। अब खरीदेंगे अब टाइम पे भी, एक हफ्ते ही हो रहा है हाईवे, कुछ टाइम लगेगा एक लेने में। कार आर तो नहीं, शायद बाइक वाइक लें क्योंकि ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। और बाइक ये यहाँ पर मतलब छोटे मोटे, क्योंकि अगर आप ऑटो में जाते हैं तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा लूट है। यहाँ तो 30-40 रुपये आपको एक बार में लूट लेंगे। और देखिए आगे हमारा स्विगी जा रहा है, कितनी प्यारी गाड़ी में स्विगी वाला गया। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। पूरी देखिए इतनी बड़ी बड़ी रोडें हैं। ये कनॉट प्लेस, प्रगति मैदान, इंडिया गेट भी इधर से जा सकते हैं आप। इंडिया गेट भी सोच रहे हैं जा सकते हैं अगर टाइम हो बता दो। यही है, चलते रहना घूमते रहना है। मैं तो हूँ शौकीन घूमने का, बस नहीं है हमारे और दोस्त लोग घूमने वाले नहीं है। मोहित भाई थक गए हैं, घर चलते हैं होगी इन्हें। अब अकेला मैं ही रह गया हूँ घूमने के लिए। और दोस्तों के थोड़ा हालात ख़राब है। बिल्डिंग में कह रहा था आपको दिखाता हूँ मैं, वो है देखिए बिल्डिंग ऊँची, इतनी ऊँची है देखिए, और बिल्कुल डिजाइन के साथ बना रखी है पूरी बिल्डिंग। कहाँ जा रहे हो आज? उग्रसेन की बावड़ी में जा रहे हैं। और पहली बार जा रहे हो? हाँ मैं पहली बार ही जा रहा हूँ वहाँ पर आज। मैं तो दूसरी बार जा रहा हूँ, पिछली बार मैं जब पिछले साल आया था यहाँ तब गया था, अभी सेकंड टाइम है। घूम रहे हैं आज, संडे है तो हम थोड़ा घूम लेते हैं थोड़ा। अभी थोड़ा बहम भी था कि दिल्ली गए संडे को बंद तो नहीं है, क्योंकि हमारे हल्द्वानी में लॉकडाउन रह रहा है संडे को। यहाँ नहीं है, यहाँ मार्केट खुला है पूरा, देखते हैं कैसा रहता है आगे। अब हमें यहाँ से राइट नहीं जाना है, अब चलते हैं सीधे यहाँ से राइट। मोहित ब्रो राइट चलना है, हमने जाना है हमने राइट को कस्तूरबा गांधी मार्ग में। ये रोड मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड है उनको याद होगी कि हम पहले जब पिछले साल यहाँ आए थे तो ऐसे ही चलते रहे, ऐसे घूमते थे। बताना जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनको याद है नहीं है ये सब रोडें, जो मेरे साथ पिछली बार थे मेरे क्लास के दोस्त। और ये देखिए कस्तूरबा गांधी मार्ग, ये इंद्रपुरी की बर्स, अग्रसेन की बावली। दिखाता हूँ आपको कैसी है, इतना खास नहीं है यहाँ कुछ, बस ऐसे ही टाइम पास है, दिखाता हूँ आपको। ये है देखिए पूरी अग्रसेन की बावली, और बहुत लोग आए हैं घूमने के लिए यहाँ। कुछ खास नहीं है इधर को, बिल्डिंगे हैं और सामने भी बिल्डिंगे हैं, और ये ऐसा ही है। तो खाली देखने के लिए आए थे कैसा है करके, मैं तो पिछली बार भी आया हूँ अपने दोस्तों के साथ। अब देखिए कबूतर भी बैठे हैं यहाँ पर। आ गए हम नीचे, और ये पूरा ऊपर तक देखिए पूरा इलाका बहुत पुराना, अंग्रेजों के टाइम का है। हम सीधे घर को घूम लिया हमने यहाँ भी, और मज़ा भी आया। इतना अच्छा नहीं था, नॉर्मली है ऐसे, ये खंडर टाइप का है, उसमें लोग आते हैं बैठने के लिए। उग्रसेन की बावली नाम है इसका, आ सकते हो आप अगर आप CPI हो, कनॉट प्लेस आए हो तो यहाँ भी आ सकते हो। चलते हैं कहीं और, देखते हैं कहीं और घूम के आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं उग्रसेन की बावली के बारे में तो आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं यहाँ पे पूरा। वैसे मेरे ज़्यादातर हिंदी वाले हैं, लेकिन कोई इंग्लिश वाला बंदा भी है तो देख लीजिए, वो भी पढ़ सकता है इसको। उग्रसेन की बावली से बाहर आके अब जा रहे हैं सीधे कहीं और, देखते हैं जाते जाते कहाँ जाते हैं। ऑटो वाले भैया पता नहीं क्या कह रहे हैं हमें, उन्हें ये नहीं पता था यार हम थोड़ा कम पैसे वालों से वो हैं, तो हम पे ज़्यादा पैसा नहीं है कहीं जाने के लिए, हम ऑटो कर सके, हम पैदल ही आते हैं। हम क्योंकि हम ज़्यादातर प्लेन वन में जाते हैं, इसलिए प्लेन से जाते हैं या पैदल जाते हैं, दोनों में से एक ही चीज़ होती है। तो अभी ऑटो करा, कैमरा भी ऑटो फोकस नहीं ले रहा हमारा, पता नहीं गरीब कैमरा है थोड़ा, एक दिन हो क्या पता बढ़िया वाला कैमरा जैसे भाई के पास है।
हम भी खरीदेंगे एक कैमरा, चेतन भाई 12 प्रो लेने आ रहे हैं, तो पहले से कांग्रेचुलेशन, तब खरीदेंगे जब आपका प्यार आपका सपोर्ट बढ़ता रहेगा, तब 10 रुपए पेटीएम कर देना और आप मेरी वीडियो को देखते रहोगे। और दिल्ली में वैसे घूमने के लिए तो मेन सीपी है, कनॉट प्लेस ही है, जहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी। सेंट्रल पार्क हो गया, थोड़ा 1.5 किलोमीटर में कुतुब मीनार हो, सॉरी इंडिया गेट हो गया, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। हैं इंडिया गेट चलते हैं, इंडिया गेट के ऊपर को रास्ता है और देख लेते हैं अभी कहाँ जाना है। आप देखते हैं एक बार गूगल मैप में चेक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे हम कहाँ जा रहे हैं। बताता हूँ मैं आपको कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको ही नहीं पता हमें कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं है। और देखिए पूरा रोड गीला गीला हो गया बारिश के, उससे पूरा भीग गए हम भी थोड़ा थोड़ा। हम जा रहे हैं सीधे रोड क्रॉस करके इंडिया गेट को, इंडिया गेट घूम के आते हैं, जरा देखते हैं इंडिया गेट कैसा है। इंडिया गेट तो मैं 2-3 बार गया, बहुत बार गया हूँ, आता रहता हूँ इंडिया गेट, जाता रहता हूँ, लेकिन दोस्त लोगों का प्लान बना है और हमें दौड़ना पड़ेगा। और देखिए हम कैसे दौड़ते हैं, मोहित भाई को देखिए हम कैसे दौड़ रहे हैं। और फिर आ गए हम फुटपाथ पे और बोलते बोलते भी क्या कहते हैं गला बैठ गया है, सांस फूल गई है मास्क में, तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, मास्क की आवाज़ नहीं आ रही। और टोपी ओपी भी पहन रखी है क्योंकि बारिश से सिर गीला हो जाएगा तो सर दर्द हो सकता है। और मज़ा आ रहा है दिल्ली की रोडों में, खुली खुली रोडें, पूरी सेफ्टी के साथ। सैनिटाइजर 5 लीटर खत्म कर चुके हैं हम सैनिटाइजर अभी तक यूज़ कर करके, क्योंकि हम 3 लीटर तो जितने भाई पी गए हैं, 3 लीटर हम पी भी गए हैं, महंगा वाला सैनिटाइजर था वो। और जैसे कि आप देख रहे हैं हम पहुंचने वाले हैं पर रवि शंकर शुक्ला लेन में, देखो ये सब सरकारी क्वार्टर हैं यहाँ पर, और मज़ा आता है बिल्कुल। और आप लोगों को लगता होगा ना ब्लॉग बनाना बड़ा आसान है, कभी आप ऐसे कैमरे को पकड़ के देखिएगा 5 से 10 मिनट, आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में कितना दर्द हो जाता है। पकड़ा नहीं जाता, बेशक 100 ग्राम का भी फ़ोन नहीं है लेकिन पकड़ने में पूरा हाथ दर्द हो जाता है, बहुत भारी। एक बार करके देखिएगा आप, और दिखाता मैं आपको पूरा रोड आगे का। ये देखिए आप आगे का रोड पूरा नज़ारा, और रोड में है भीड़ कम, ऑटो वाले चल रहे हैं। और वैसे एक बात कहूँ तो सीपी अगर आप कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं तो आप ऑटो मत लीजिए, आपको 1.5 किलोमीटर में ही ये 60-70 रुपये ले लेते हैं आराम से। इसलिए अगर दोस्त लोगों के साथ पैदल आइए, पता भी नहीं चलता। हम ही कनॉट प्लेस आने के बाद, मतलब राजीव चौक के बाद 5-6 किलोमीटर चल चुके हैं और हमें पता भी नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्त लोग हैं गप्पे मार रहे हैं चलने में लगे हैं, इसलिए हम ऑटो ऑटो ले भी नहीं रहे हैं। सभी हैं मतलब दोस्त लोग हैं तो मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या कहते हैं वैसे ऑटो में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतना किराया नहीं होना चाहिए। अभी हमने पीछे ही पूछा था यहाँ से 1.2 किलोमीटर का, सीधे उसने 60 रुपये कहा, फिर हम लास्ट में कह रहा 30 रुपये मैं छोड़ दूंगा, तभी भी 30 रुपये भी बहुत होते हैं, और 1.2 किलोमीटर तो हम पैदल चल ही सकते हैं और चलना भी चाहिए, क्योंकि और टाइम तक अगर घर में बैठे बैठे या कोई काम होता है तो चला नहीं जाता, क्योंकि ऐसे ही होता है सभी का पता है। आजकल लोग कोई पबजी खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है, किसी को टाइम नहीं होता चलने का। तो अगर आप एक दिन में अगर 1.5 किलोमीटर भी चलते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और ये देखिए ये है केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आवासीय परिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, आप यहाँ पर अपना एम्प्लॉयमेंट के लिए आ सकते हैं। ये पूरा ऑफिस है, यहाँ पर आपको विभाग ही मिलेंगे, आपको मैंने शुरू में जो LIC दिखाया ऐसे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विभाग हैं, यहाँ के सरकारी विभाग हो गए। अब हम दिल्ली हाईकोर्ट को जा रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट को भी सीधे रास्ता जाता है, और CWG विलेज है आगे, वहाँ को भी रास्ता जाता है। और ये नई बसें चल रही हैं, देखिए ब्लू बस, पहले यहाँ ग्रीन और क्या कहते हैं रेड चलती थी, ब्लू भी चलने लगी है। और ये देखिए ध्यानचंद स्टेडियम भी इसी साइड को है, और हम सही जा रहे हैं, और हम सही जा रहे हैं बिल्कुल। KG मार्केट कितना दिखा रहा अभी, 15 किलोमीटर ज़्यादा अभी बहुत दिखा रहा है, पता नहीं शायद इन्होंने मैप में गलत तो नहीं दे डाला है, एक बार मैं चेक करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए कंप्यूज आपको यहाँ पे साइकिल स्टैंड मिल जाएंगे, हाँ अगर आपको कहीं जाना है छोटा मोटा घूमना है तो साइकिल ले सकते हैं आप। ये देखिए पूरी साइकिल का स्टैंड है, ये ले लीजिए, यहाँ पे 10 रुपये 5 रुपये गूगल पे हो जाता है, स्मार्ट बाइकें होती हैं, आप ले जाइए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर खड़ी कर दीजिए। और यहाँ देखिए पूरा सरकारी ऑफिस में काम वाम चल रहा है पूरा, आज तो बहुत कम भीड़ है क्योंकि बारिश है, नहीं तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है। और बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंगें हैं यहाँ पर। ये आ गए हम भारतीय विद्या भवन दिल्ली केंद्र, ये देखिए पूरा ये वही है, ये देखिए आगे बोर्ड भी लगाया पूरा, सामने कस्तूरबा गांधी पार्क मार्ग वो है। अब देखते हैं मैं कहाँ को जाना है, फिर आपसे मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में, देखते हैं किधर को जाना है।
अब पहुँच ही गए हैं हम हैं, बस सिर्फ कैमरा भी साफ नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा अंधेरा जैसा हो गया बारिश उससे। पहुँच गए हम थोड़ा बस एक किलोमीटर लगभग और है, सीधी रोड है। चलते चलते थके तो नहीं है ऐसी है, लेकिन बारिश से कपड़े कपड़े गीले हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और सिविल सेवा अधिकारी संस्थान यहाँ पर है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए पूरा संस्थान है, बहुमंजिला आवास कस्तूरबा गांधी। और अपना भाई आगे आगे चल रहा है, इसको भी थकाई नहीं लगती, बिल्कुल मस्त आदमी है, चलता रहता है बस जहाँ चलवा लो। और ये देखिए बिल्डिंग है पूरी, और इधर को थोड़ा काम वाम चल रहा है तो फुटपाथ सब टूटे हैं, अभी ठीक हैं लेकिन तभी भी कोई बेकार नहीं है, चलने के लिए बहुत बढ़िया। ये अपने भाई साथ साथ चलेंगे कह रहे हैं। और ये सब ऑटो के स्टैंड है, देखिए ऑटो ऑटो खड़े हैं। ई रिक्शा भी तभी भी ठीक है यहाँ के लिए, ई रिक्शा इतना नहीं लेता, लेकिन ई रिक्शा कम चलता है इधर को, मेरे को तो अभी तक नहीं दिखा, जैसे हमारे वहाँ ई रिक्शे ज़्यादा चलते हैं, यहाँ को अभी तक मैंने ई रिक्शा नहीं देखा है। छोटी मार्केटों के अंदर देखा, हाँ छोटी छोटी मार्केट है, वो 10 रुपये में छोड़ देते हैं। और जो मेरा ये ब्लॉग है वो भी मेरे को लगता है कि 2 या 3 पार्ट में आएगा शायद, क्योंकि लंबा होने वाला है, बहुत घूम लिए हैं, 2-3 जगह चले गए हैं। अभी अगर शाम को वापसी में सीपी जाएंगे तो फिर दोबारा ब्लॉग बनेगा थोड़ा बहुत, फिर वैसे नहीं जाएंगे क्योंकि आजकल ना 15 अगस्त आने वाला है तो यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है, सेंट्रल पार्क बंद कर रखा था अभी ये 15 अगस्त, अभी इंडिया गेट में भी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वो होगा, सिक्योरिटी बहुत होगी क्योंकि 15 अगस्त की तैयारियाँ चल रही होंगी। मेरे ख्याल से जाने भी देंगे नहीं जाने देंगे इंडिया गेट पर, कुछ नहीं पता क्योंकि इस टाइम में 15 अगस्त है। और हर जगह आप मेट्रो में भी जाएंगे ना आपको बहुत सिक्योरिटी मिलेगी, पहले जितनी सिक्योरिटी नहीं होती थी, 2-2 बार स्कैन हो रहा है, बैग चेक हो रहे हैं, पूरा फ़ोन पर्स आपको हाथ में पकड़ना है फिर स्कैन हो रहा है। और ये महाराष्ट्र सदन है पूरा, मतलब क्या है दिल्ली में आपको हर चीज़ के सदन, महाराष्ट्र सदन, अलग अलग सदन मिल जाएंगे सब यही है। देखिए CRPF खड़ी रहती है पूरी चेकिंग के लिए कि कौन है कहाँ जा रहा है, पूरा एड्रेस लिखना पड़ता है, आम आदमी नहीं जा सकता मतलब ऐसी जगहों में। देखिए आगे एक छाता लेके तुरंत आ गया, देखिए कि कौन है करके पूछताछ करने के लिए, तो ऐसा होता है पूरा, आपको परमिशन लेनी पड़ती है तब आप अंदर जा सकते हैं। और चलते चलते थक भी गए, अब तो मुझे भी थकाई लगने लग गई है, ऐसी है बस। आज संडे था तो हमने सोचा घूम लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर टाइम नहीं मिलता, 9, 10, 11, 12 बजे तो ऐसी हो जाता, कब बज गया पता ही नहीं चलता। अभी भी 3 बज गए हैं, फिर निकलते हैं शाम तक, घर पहुँच जाएंगे तो थोड़ा स्टेडियम घूमाएंगे बस। अब इंडिया गेट भी आने ही वाला है, थोड़ा सा दूर है, यहाँ से शॉर्टकट मारेंगे इंडिया गेट के लिए, सीधा एक शॉर्टकट है। ये देखिए पूरा महाराष्ट्र सदन है, आउट इन यहाँ पर, मतलब आपको सरकारी विभाग को इतने बड़े बड़े मिल जाएंगे ना, एंड ही नहीं दिखता है, एकड़ों में फैले हैं। और ऐसी रोडें हैं देखिए कितनी बड़ी बड़ी, मेरे ख्याल से यही 80-90 फुट की रोड होगी पूरी, डबल लाइन है टोटल मिला के। चलिए चलते हैं आगे, फिर दिखाते हैं आपको इंडिया गेट के वहाँ पर। अब ये देखिए कितना बड़ा है पूरा भवन है, सरकारी भवन, और इंडिया गेट आए तो क्या कहते हैं बंद है इंडिया गेट पूरा, 2 साल से बंद है कह रहे हैं, पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है। और ये हैदराबाद हाउस, जैसे आपने वहाँ महाराष्ट्र भवन देखा था हैदराबाद का हाउस है, ऐसे आपको मिलते रहेंगे हाउसेस, ये इसलिए होते हैं जैसे आपके कोई नेता वेता हैदराबाद से यहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए रहने के लिए व्यवस्थाएँ जो होती हैं इसलिए रखा बनाए जाते हैं। देखिए कितना बड़ा है, देखिए मतलब राजनेताओं के भी मज़े हैं हमारे इंडिया में, ऐसा नहीं है कि मज़े नहीं है, फुल मज़े हैं। देखिए इतने बड़े बड़े भवन में रह रहे हैं और क्या ही चाहिए, इतना बड़ा है। मैं जाऊँगा आपको दिखाते रहूँगा पूरा गोल में, बहुत बड़े बड़े सदन है। और ये अपना यहाँ से ही अपना रास्ता जो है इंडिया गेट का, लेकिन बंद पड़ा है, काम चल रहा है कह रहे हैं लोग। और अभी सुनने में आया एक अंकल जी ने बताया कि 2 साल से बंद पड़ा है यार, 2 साल पहले जब हम आए थे तब तो खुला था, हाँ वैसे 2 साल से ऊपर हो गया हमें आए हुए, लगभग 1 महीना हुआ होगा, ज़्यादा नहीं हुआ होगा, ये सब बंद है। और यहाँ पे पेड़ आ गए नहीं तो इसके पीछे भी सब पूरा वही है, हैदराबाद भवन बहुत बड़े बड़े हैं। ये देखिए ये रक्षा भवन सामने जो आप देख रहे हैं, पूरा रक्षा भवन है, मतलब पूरी दिल्ली में जो एरिया है सब भवनों में ही भरे हैं, सरकारी नेताओं के हैं, आगे राष्ट्रपति भवन है, तभी आम आदमी जो रह रहा है 10 फुट की गलियों में रह रहा है, 50 फुट के मकान में रह रहा है, यही रीज़न है दिल्ली में, क्योंकि जो एरिया है उसमें तो यही बने बड़े बड़े, रहने के लिए जगह नहीं। वैसे आप सच बताऊँ तो दिल्ली में रहने के लिए जगह नहीं है, छोटी छोटी गलियाँ हैं दिल्ली में, बिल्कुल रहने का नहीं है, छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ, उसमें रहते हैं लोग, बारिश आई तो इतना पानी भर जाता है कि क्या कहते हैं पूरा दिखता ही नहीं है, इतना इतना पूरा आपकी कमर तक पानी आ जाता है,
छोटे छोटे घर हैं, जैसे अपने हल्द्वानिया देखिए, बड़े बड़े घर हैं, लोग ठीक ठाक रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपको इतनी छोटी गलियाँ मिलेंगी, मतलब अच्छे अच्छे लोग, मतलब आप एक मीडियम जो फैमिली कहते हैं वो भी वही 7 फुट 8 फुट की गली में रहती है, क्योंकि इधर तो कोई रह ही नहीं सकता है यार। इधर के लिए बहुत करोड़पति है, बिजनेस बड़ा बिजनेस वाला जो होगा वही कर सकता है। बंगलो है, देखिए रेसिडेंट कमिश्नर के बंगलो हैं बड़े बड़े। यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भवन है, छोटा बना रखा है, जैसे हैदराबाद भवन कितना बड़ा है, ऐसे तेलंगाना और क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश का बड़ा बहुत छोटा बना रखा है इन्होंने पूरा। यहाँ पर पूरे मेरे को लगता है जितनी स्टेट्स हैं सबका यहाँ पर है भवन, छोटे छोटे या बड़े बड़े भी हैं। हैदराबाद महाराष्ट्र का देखा होगा आपने कितना बड़ा था पहले जो मैंने आपको दिखाया, और जैसा मैं कह रहा था आपको बताता हूँ, मैं बिल्कुल छोटे दिल्ली में छोटे मोटे इलाके बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जहाँ लोग रहते हैं। आप सोनिया विहार चले जाइए, भजनपुरा चले जाइए, मयूर विहार चले जाइए, जहाँ भी आप जाते हैं आपको छोटी मोटी गलियाँ 8 फुट की 10 फुट की गलियाँ मिलेंगी। पर हाईवे जो है यहाँ बड़े हैं और सब छोटे छोटे ही हैं, यही परेशानी है। बस थोड़ा सरकार ने ये अच्छा करके दिखाता हूँ मैं आपको, व्यवस्था जो करिए बहुत अच्छी है, क्योंकि गर्मी जब रहती है तो बहुत ज़्यादा होता है। अपना तेलंगाना का पूरा ऑफिस है देखिए, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो मैं आपको बता रहा था, देखिए पूरा मैरिटन होटल, बहुत बड़ा होटल है, सब यहाँ पे होटल ही है देखिए, सभी होटल है। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, दोस्त लोग आगे चले गए हैं। ये देखिए होटल पूरा मैरिटन, और इधर भी होटल है आगे, अशोक रोड जनपद। अगर आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जाना है ऐसा जनपद पड़ता है इधर को सीधे, और अभी तो हमें सीपी जाना है तो हम इधर को जाएंगे। जनपद का रास्ता भी इधर से भी है, ये देखिए सब प्लेस, प्रदीप कुमार सिंह सांसद उनका घर, बड़े बड़े घर हैं लोगों के। बीएसएनएल का ऑफिस, बीएसएनएल कंपनी, भारत संचार भवन, ऑफिस इतने बड़े, नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। जितना बड़ा ऑफिस इतना बड़ा नेटवर्क होता तो देश में बीएसएनएल ही चल रहा होता है, ये एयरटेल जियो आइडिया नहीं चल रहे होते। बस ऐसी है, क्या कहें, आप सब समझदार हैं, आपको पता ही है क्या चल रहा है देश में। सरकारी चीज़ थी बीएसएनएल, गवर्नमेंट को इतना पैसा लगाना चाहिए था कि आगे बढ़े, लेकिन ठप हो गई है, और विदेशी कंपनियां आके एयरटेल एयरटेल सब यहाँ राज कर रही हैं। सही है, चलता है। ये अपना सीपी का सेंट्रल पार्क बताया था ना पूरा छमाछम, ये देखिए अपनी रील्स, देखिए बिल्कुल जूम करके दिखाता हूँ रील्स, पेड़ के पीछे बैठ के ये देखिए रील्स, देखिए आप ये सस्ते डांसर आ गए, पूरी पूरी रील चल रही है, दिखेगा नहीं क्योंकि आगे से पेड़ है। 10-10 रुपए टिकट में देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए भाई से सेल्फी नहीं ले जा रही, अकेले अकेले लगाया भाई, थोड़ा हम देखते हैं फोटो वोटो खींच देंगे भाई की, लड़कियां खाली है तो भाई कोई हो तो बताना जरा। सीपी में आए, सीपी में आपको यहीं पे बैठा मिलेगा ये भाई, बॉडी बुला रहा है, इसे देख सकते हैं ऐसी लड़की पटाने कैसे पटा सकते हैं, ऐसे पटा सकते हैं भाई, भाई हमसे नहीं बोला भाई ने कि हमारे साथ हम मतलब फोटो खींचे, जाके वही लड़की के पास जा रहा है बिल्कुल फोटो खींचा। ये देखिए बैग वैग दिखाते हुए, आओ नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ, लड़की भी खुश, नीचे आओ, अब बोलो खुश हो गया बिल्कुल, मजा आ रहा है इनको। और ये देखिए बॉडी बॉडी बिल्कुल फोटो वोटो खिंचाई जा रही है, इम्प्रेस करा जा रहा है लड़की को, भाई यहाँ नंबर नंबर मांग रहे हो बिल्कुल सेटिंग कर लेगा भाई, बाकी किसी को भी अगर ऐसी ऐसी बॉडी बनानी है बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं, लड़की का नंबर आपको मिल जाएगा। ये एरिया कौन सा है? ये सीपी है बिल्कुल, सीपी चूटी होगा मतलब आपको यहाँ हाथ के चूटे मिल जाएंगे, छपरी जिन्हें कहते हैं। ये देखिए इसको काम नहीं बना भाई, भाई का काम नहीं बना, चलो खाली बॉडी दिखा दी भाई, भाई ने सोचते हैं। ये हो रहे हैं यहाँ पे सीपी में रस्सी कूद का वही रोपिंग स्किप, अलग अलग तरीके के दिखा रहे हैं, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, जूम करने में इतनी क्लियरिटी नहीं आती है लेकिन दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत मेहनत लगती है इसको सीखने में, इतना आसान काम नहीं है। अब कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे देखता हूँ कैमरे से ले लूँगा मैं वीडियो, देखता हूँ। ये देखिए साथ वाले कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा स्क्रीन टूट गई है भाई की, लेकिन बढ़िया है, अभी चलेगा देखते हैं अभी, पर टाइम भी हो गया, अब घर जाने का टाइम हो रहा है, जाते हैं घर को। आ गए हैं किसी और के साथ वीडियो फोटो खिंचवा रहे हैं, ये क्या है, ये देखिए दोबारा अब किसी और के साथ चल रहा है, वो बिल्कुल नल्ले आदमी है, कुछ काम नहीं है, बस लड़की बता रहा है,
और ऐसे मतलब तेज फिर आ गया यार ऐसे क्या हो रहा है। देखिए फोटो वोटो खींचने लग गए दोबारा बॉडी दिखा रहा है सस्ती बॉडी यहाँ पे कितनी बार दिखा दिया इसने कम से कम हमारे सामने सामने 5-6 बार दिखा दिया अपने इसने बॉडी और ऐसे ये लड़की को इम्प्रेस कर रहा है अगर ये देखिए सकता है अगर ऐसा कुछ है आप भी अपनी बॉडी अगर तुम्हारी अच्छी है ठीक है तो आप भी बॉडी बना के ऐसे इम्प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए हमारे तो बॉडी तो नंबर नंबर मिल रहा होगा नहीं मिल रहा भाई का नंबर नंबर भी ले रहा है बढ़िया मजे ले रहा है तीन चार सेकंड में तो अच्छा कोशिश कर रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। देखिए कोशिश कर रहा है आपको जूम करके दिखाता हूँ कोशिश कर रहा है नंबर मांगने की लेकिन नंबर भाई को मिल नहीं रहा है तो ये बड़ी मुसीबत वाली बात है। मोहित भाई थोड़ा साइड हुई है बहुत कोशिश हो रही है। चलिए हो गया हम लिफ्ट से नीचे आए उसके बाद दोबारा सीढ़ी से ऊपर जा रहे स्कैम होते रहते हैं लिफ्ट से नीचे तो आए हम हमको क्या पता यहाँ से रास्ता नहीं है दोबारा ऊपर जा रहे देखिए सीढ़ियों से ऐसा लग रहा होगा हम दोबारा मेट्रो में चढ़े हैं दोबारा ऐसा लग रहा है मेट्रो से बाहर निकल रहे हैं लेकिन हम मेट्रो से अंदर घुस रहे हैं जा रहे हैं घर को और मेट्रो स्टेशन में जैसे ही पहुंचे इतनी लंबी लाइन है ऐसी लाइन अधिकतर कहाँ मिलती है भंडारों में वो वहाँ से लाइन चालू हुई है और यहाँ से पूरी लाइन ही लाइन है और यहाँ से एंट्री है इतनी लंबी लाइन है पूरी पहली बार देख रहा मैं तो इतनी भीड़ बाकी हमारे लिए डिस्काउंट लगाते तो हम घुस सकते हैं। हाँ नहीं तो चांदनी चौक तक बस में जाएंगे भी वहाँ से देखेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबी है लाइन है और बहुत बुरे हाल है। गवर्नमेंट कह रही है भीड़ कम करो और इन्होंने 8 स्टेशन है राजीव चौक में 1, 2, 3, 4, 8 और 7वां सिर्फ खुला है। सोचो कितनी भीड़ हो रही है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको पूरा आधे किलोमीटर की पूरी भीड़ है। अब रीजन नहीं पता मेरे को क्यों बंद कर रखे हैं सारे खोलने चाहिए इतनी भीड़ में कोरोना ऐसी चल रहा है और उसमें दिक्कत और देखिए गार्ड साहब थोड़ा पंगा कर रहे हैं। देखिए वहाँ मैं दिखाता हूँ हम भी वही लिफ्ट से जाने की सोच रहे थे अब गार्ड साहब थोड़ा भड़क गए हैं जाने के नहीं दे रहे हैं मतलब ऐसी है यार बड़ा दिक्कत की बात है पता नहीं क्यों बंद कर रखे समझ नहीं आता नहीं जाने देगा वैसे वो और लेकिन ना क्यों है भैया इसका अगर कोई जानता है दिल्ली का जो है वीडियो देख रहा है मेरी तो कमेंट में बताना क्यों ऐसा कि मतलब 7 स्टेशन जो है बंद कर रखे हैं 7वां स्टेशन खोल रखा है बस जो गेट नंबर 7 है वही खोल रखा है यहाँ पर और इतनी भीड़ हो रही है मैं आपको कैसे बताऊँ यार मैं दिखा नहीं सकता मतलब इतनी दूर से लाइन लगी है पूरे 1-1 किलोमीटर से लाइन लगी है बड़ी समस्या है। आप देखते हैं घर कब तक पहुँचते हैं रात हो गई है डर लग रहा है आप घर जाने में भी देखते हैं क्या होता है।